अस्सलाम वालेकुम। तो देखिए, आज फिर से मैं हार्वेस्टिंग करने जा रही हूँ। तो एक बात आपको बताना चाहूँगी कि जो है, देखिए मेरी 1 ईयर की ये पालक का सीड है। और देखिए, हमेशा ही आपने देखा होगा हार्वेस्ट करते हुए, ये जो है गर्मियों में भी नहीं ख़राब हुआ, पूरा टेरिस पर था। तो देख ही रहे कितना हैवी है। तो जो है, तो देखिए, बहुत बार कहते हैं ना 2 बार 3 बार, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बहुत बार, कई साल से मैं भी ग्रो कर रही हूँ इस तरह की सब्ज़ी। तो जो है पालक तो मुझे बहुत अच्छा मिलता है। तो ये तो जितनी बार हार्वेस्ट करो फिर से हो जाती है। काफ़ी इसकी जड़ मोटी हो गई है, बहुत नीचे तक है। और देखिए, इधर सुहा भी है तो थोड़ा ये भी। तो कहने का मतलब ये है कि इसको एक बार ग्रो कर लेंगे तो आपका अच्छे से चलता रहेगा। और देखिए, हर तरफ से कई बार मैंने 5-7 बार तो लगभग मैंने हार्वेस्ट कर लिया होगा, और उसके बाद भी प्लांट बना रहता है। अब देखिए, इधर भी सीड्स भी बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो आप ग्रो कर लेंगे तो बहुत बार आप इसे हार्वेस्ट कर लेंगे, फिर छोड़ भी देंगे, सीड भी बनेगी और जो प्लांट थोड़ा रह जाएगा तो वो भी फिर धीरे धीरे ग्रो करता रहता है। फिर इसे सरसों भी अभी तक जम रही है, सीड वगैरह जो बाद में गिरे हैं वो भी। तो काफ़ी अच्छे से चलती है। तो छोटे छोटे कंटेनर में आगे पीछे भी मैं डालती रहती हूँ, उन्हीं से बहुत सारी हो जाती है। तो इस तरह से मैं बहुत सारी ले लूँगी। और देखिए, इसमें भी फ्लावर आ गया था तो जो है मैंने फिर कट कर दिया है। तो उसके बाद से इसमें जो है फिर से साइड से निकलेंगे। तो इस तरह से बहुत सारी आप जो है पालक ग्रो कर सकते हैं और काफ़ी टाइम तक रख सकते हैं। अगर कोई छोटी चीज़ में करेंगे तो उसे कंटेनर को आप इधर से उधर उठाकर भी रख सकते हैं, बहुत तेज़ धूप से सनलाइट से बचाने के लिए। ये हर तरफ से मैं ले लूँगी और जो मुझे सीड्स छोड़ना होगा छोड़ भी दूँगी। तो ये भी काफ़ी पुराना प्लांट है और बहुत सारी पालक है, क्यारी वगैरह में भी है, जो आगे आगे पॉट में थी। तो मैंने सोचा इसको पहले हार्वेस्ट कर लेती हूँ। देखिए कितनी बड़ी बड़ी है। और देखिए ये सीड, देखिए इसमें भी और इसमें भी सारे बनने लगे हैं। तो इस तरह से देखिए बहुत अच्छे से चलती है काफ़ी। इधर भी जो है, अभी मैंने तो क्यारी में देखी पूरी भरी हुई है, तो सब्जी मिक्स लगी हुई है। इधर तो मैंने भी लिया भी नहीं है। तो इस तरह से मैंने सोचा थोड़ी सी ग्रीन जो है ऑनियन भी ले लेते हैं। तो काफ़ी सब्ज़ी निकल आती है आपकी अच्छे से, 4 से 5 दिन पर आप थोड़ी थोड़ी हर तरफ से लेते रहेंगे ना। तो एक साइड से ले लेंगे तो दूसरी साइड से फिर बड़ी होने लगती है। इस तरह से मैं कर लेती हूँ आगे पीछे, तो सब तरफ से लेती रहती हूँ। अब अगली टाइम दूसरी क्यारी से लूँगी तो जो है इसके बाद इसमें होने लगेगी। तो मैंने कई जगह डाला हुआ है तो बहुत बार शेयर भी करती रहती हूँ। तो इस तरह से देखिए कितना घना बड़ा पेड़ है ये और प्लांट हो गया है। तो देख लीजिए आप लोग, इतने से में ही देखिए 2-3 कॉर्नर से बस ली है और जो है बड़े बड़े हो गए हैं। अभी काफ़ी बचा हुआ है सारा, अभी मेरे पॉट से ही मैं नहीं ले पाई और अभी तो सारी क्यारियों में भरे पड़े हैं। तो बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे से हो जाता है। तो ग्रो ज़रूर करें इस तरह की सब्जियों को। और सोहे में भी सीड आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए क्या नाम है, सोहे का सीड्स कितना प्यारा लग रहा है। और ये प्लांट बड़ा हो गया है, इसके पहले सीड्स मेरा पुराना प्लांट था उस बन चुका है। और ये मटर की फलियाँ भी इसमें बन गई है और काफ़ी नीचे तक बनी हुई है, कुछ बंदरों ने तोड़कर ख़राब भी कर दिया था। और मेरे टमाटरों पर भी अभी अच्छे खासे टमाटर हैं, मिर्च है तो ले लेती हूँ मैं थोड़ा थोड़ा सा सब में से। और मेथी भी ली है मैंने। तो देख लीजिए इस तरह से मेरा सब कुछ जो है अभी भी अच्छा खासा चल रहा है। तो फरवरी तक मेरा ये चल ही जाएगा। तो कुछ टमाटर छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, बड़े बड़े हार्वेस्ट कर लिए हैं और इधर हैं अभी थोड़ा सा कच्चे, उन्हें भी निकाल लेती हूँ। इधर से हम थोड़ा धनिया ले लेते हैं, मेथी ले लेते हैं। ये न्यू हमने जो है छोटी छोटी बास्केट फ्री हो गई थी तो इसको लिया हुआ। एक बार मैं हार्वेस्ट कर चुकी हूँ इसको और दोबारा फिर से आज करती हूँ। थोड़ा थोड़ा ऊपर पर से लेंगे तो ये अच्छे से बुशी भी हो जाएगा और निकलते भी रहेंगे। तो देखिए इस तरह से छोटे छोटे बास्केट में भी अच्छे से चीज़ें हो जाती है। जैसे देखिए टब में कितने अच्छे से जो है पालक फिर से हो रही है, तो मैंने थोड़े से सीड अलग फिर से डाल दिए। तो इस तरह से बहुत अच्छे से आराम से हो जाता है। अभी भी डालेंगे तो हो जाएगा, थोड़ा शेडी में रख दीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारे बेटे ने जो है क्यारी में से जो है ये निकाली है तो मैं आपको दिखा नहीं पाई। तो घनी थी, उसमें प्लांट बहुत ज़्यादा हैं सब्जियों के भी। तो ये हमने 3 जो है मूलियाँ निकाल ली है और ये निकालते में थोड़ा सा टूट गया था। देखिए कितने अच्छे साइज़ है। तो इस तरह से देखिए कर सकते हैं मूलियों को भी, और जितनी हमें ज़रूरत थी उतना ही हमने निकाला है। और इसको हम वाश कर लेंगे। और हमारी इतनी सारी जो है पालक हो गई, तब भी हमने काफ़ी प्लांट अभी छोड़ दिए, कट नहीं किए, फिर किसी दिन ले लेंगे। और थोड़ी थोड़ी प्याज और टमाटर और धनिया लिया है। और इधर देखिए सोहा इतना सारा है, तो सारी पालक हो गई है, ये काफ़ी इनफ है हमारे लिए। तो उम्मीद है आपको ज़रूर वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, इस तरह से सपोर्ट अपना बनाए रखें। अल्लाह हाफिज़।